मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने कभी सॉफ्टवेयर नहीं किया था, कभी भी सॉफ्टवेयर मैंने नहीं किया। इवन यहाँ आने से पहले मैंने मोबाइल में स्क्रू तक नहीं लगा था, ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे 100% नॉलेज हो चुकी है, स्पेशली सॉफ्टवेयर में। जैसा कि सिर्फ अभी हमारी सॉफ्टवेयर की 3-4 दिन की क्लास हुई है, 3-4 दिन में मुझे FRP निकालना हो, चाहे पैटर्न रीड रिसेट करना हो, जो भी हो, बेसमेंट रिपेयर करना हो, आई डू एवरीथिंग। कि अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छी तरीके। हाँ सर, B2B केबल टूटा हो, ICO के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो नहीं, आपको प्रैक्टिकल किया है यहाँ। मैं मोबाइल में कुछ लाके डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो IC लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं, कुछ डिफरेंट जो फॉल्ट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी ऐसा सिग्नल करते, वो कौन सा आता था वो एशिया टेलीकॉम। तो यहाँ पर आपको मिला, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है और अभी नंबर 1 बनने वाले स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों मैं हूँ देवव्रत अग्रवाल, मेरे साथ में स्टूडेंट है लखनऊ से आए हुए। मैं आलोक सिंह लखनऊ से आया हूँ, एशिया टेलीकॉम नवंबर बैच का स्टूडेंट। तो दोस्तों आज क्या क्लास चल रही है? वेलकम की क्लास चल रही है आज, सॉफ्टवेयर की। आप क्या बताना चाहते हैं आज? आज हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास एक फोन आया है वीवो का Y70 मॉडल नंबर है उसका, उसमें हम FRP कैसे निकालेंगे एज ए मेरिकल थंडर से कैसे निकालेंगे? मतलब आपने यहाँ पे थंडर की यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग ली है, यहाँ पे UMD से भी निकाल देंगे इसका? जी सर बिल्कुल। चलो आपको दिखाइए, यहाँ पर FRP दिख रहा है, पहले दिखा भी दो यहाँ पर कि FRP पे है कि भी नहीं है। तो ये आप फेस अनलॉक में और पैक नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग और देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है सेटअप करने के लिए, और जैसे हम इसको वापस सेटअप करते हैं तो ये वापस बैक में आ जाता है। ये देखिए आगे बढ़ा देंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए Wi-Fi हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, स्किप कर देते हैं यहाँ पर तो फिर आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट, और वापस वही चीज आ जाएगा। देखिए स्किप कर रहे हैं यहाँ पर, फिर बैक आ गए और फिर वापस वही चीज आ गई कि आपको गूगल को साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ मुझे। तो जैसा कि हमारा इसको वेलकम का CPU पता करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, सबसे पहले मैं पता करना। नहीं, वो 3 तरीके आपको पता है? जी सर बिल्कुल पता है। तो हम यहाँ पर बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। आप इसमें बिना इंटरनेट के और इंटरनेट के भी तरीके हैं कि आप इसमें ऑफलाइन। हाँ, तो मतलब ये पता करना जरूरी है कि इसमें मतलब फोन का अगर आपको FRP निकालना तो सबसे पहले उसका CPU पता करना कंपलसरी है। तो इसमें CPU लगा हुआ है Qualcomm का, तो इसमें कितने बोर्ड होते हैं फिर Qualcomm में? मोस्टली 3 मोड होते हैं। कौन कौन से होता है? एंड्रॉइड मोड, दूसरा होता है फ्लैश मोड, तीसरा होता है डायग्नोस्टिक मोड। एंड्रॉइड मोड में कितने मोड होते हैं? एंड्रॉइड में 2 मोड होते हैं, फास्ट बूट और एक ADL मोड। और अगर ADP पे रखना होता तो मेरे को फोन को क्या ऑफ रखना होता कि ऑन पे? ADP और फास्ट बूट में ADP के लिए फोन ऑन रखना, फास्ट बूट के लिए फोन को ऑफ रखना, ऑफ करना पड़ता है, पर उसको रिकवरी मोड पे डालना पड़ता है, वो भी एक तरह से ऑन ही होता है। और फ्लैश मोड क्या होता है? फ्लैश मोड को फोन ऑफ करना पड़ता है उसको। उसके लिए कौन से मोड पे? EDL मोड बोलते हैं उसको, जिसमें उसकी बूट की क्या होती है? बूट की वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप, दोनों चीज होती है। अगर वो नहीं यूज हुआ तो क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए? सर हम अपना वो EDL केबल यूज। हाँ, फिर कई मोबाइल में हम टेस्ट पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, और तीसरा बोर्ड कौन सा हो गया? डायग्नोस्टिक मोड होता है, वो मोस्टली नेटवर्क रिपेयर, नेटवर्क जो कि आपने यहाँ पे देखा भी है, अपने रिपेयर भी किया हुआ है डायग्नोस्टिक। चलो ठीक है, आज अपन कौन सा मोड यूज कर रहे हैं? अभी आज सर हम अभी फ्लैश मोड यूज कर, फ्लैश मोड यूज कर रहे हैं। कौन सा अपन टूल यूज कर रहे हैं? चलिए ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा Qualcomm पे, क्लिक करना है Qualcomm के बाद एक्स्ट्रा पे जाएंगे हम, उधर आ जाओ और उधर खड़े हो जाओ, और सबसे पहले यहाँ पे हम चेक अपना ब्रांड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो भी ब्रांड है यहाँ पे, जैसे कि मेरा का वीवो है तो हमें यहाँ पे वीवो सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि हमें पहले यहाँ पे अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है, वीवो कर लिया, और पोर्ट हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड मॉडल में लग रही है, हमें मोस्टली ऑटो मोड पे पहले रखना है, तो पोर्ट को तो हमको वहाँ पर रखना है EDL मोड पर। यस सर। हाँ, फिर से बोल दो, पोर्ट को हमें यहाँ पर EDL मोड में रखना है। ठीक है, यहाँ पे दिखाओ, EDL मोड पे करवाओ पोर्ट, दो तुम ही करो। तो यहाँ पे दोस्तों एक मेरे साथ एक और स्टूडेंट है पंजाब से आया, तो वो EDL मोड पे करेंगे फोन को। बताओ किस तरह से? पहले सर हम इसका पावर ऑफ करेंगे, क्या ओपन कर लिया है आपने?
सर हमने डिवाइस मैनेजर ओपन कर लिया, चेक देख सकेंगे उसमें हमारा फोन कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हमने वॉल्यूम अप और डाउन दोनों की प्रेस कर लिया और केबल लगा दे। यहाँ पे कहाँ दिखा रहे हो, मतलब डंडे से दिखा दो, दिखाओ स्टिक से दिखाओ। ये क्वालकॉम का ईडीएल मोड बन गया है। अब बताओ कहाँ करना है, क्या करना है। फिर से मेरिकल थंडर अपना ओपन करना है। चलिए दिखाइए। फिर उसके बाद हमने जैसे कि अपना मॉडल ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, इसको पहले हम ऑटो मोड में रखेंगे। अगर इन केस हमारा कोई एरर आता है तो उसको फिर हम एज ए ब्रांड वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ब्रांड भी दिखा दो, वहां पर मॉडल में जाके ब्रांड दिखा दो, जैसे कि वाई कटर। ये भी चेक कर लेना है कि वाई कटर है कि भी नहीं है। इसको हम यहां से अपना मॉडल नंबर भी ले सकते हैं, बट मोस्टली हमें ऑटो मोड में ही रखना है पहले। ये आ गया। अब इसके बाद कहाँ क्लिक करना है। अब इसके बाद हमें रिमूव अकाउंट लॉक अदर्स हुए। अगर हमारा यहाँ पे डिवाइस शो कर रहा है, अगर हमें यहाँ पे वीवो शो कर रहा होता तो देखो कहाँ शो कर रहा है। अभी यहाँ पे जैसे कि शो कर रहा है, तो इसके लिए वीवो ही सिलेक्ट करें। वेरी गुड, दोनों चीज बता दी। अगर यहाँ पे हमारा नहीं शो कर रहा है, लाइक जैसे यहाँ पे मोटो नहीं शो कर रहा है या कोई भी अदर डिवाइसेस है, तो उसके लिए अदर डिवाइसेस में रिमूव अकाउंट लॉक अदर। अब कहाँ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद स्टार्ट बटन दबा देना है। तो देखिए यहाँ पर MSM आ गया है, बूट लोड कर दिया, पर बूट एरर आईडी दे दी है। इसका मतलब हमको ऑटो हटाना पड़ेगा, इसका मॉडल नंबर फिर वापस एक बार बूट कराइए फोन को। मतलब आप देखिए दोस्तों, तो मतलब हमने पहले और जैसे कि इन्होंने समझाया है कि ऑटो आपको करना है, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर ऑटो हटाना है और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बूट एरर आईडी आई है यहाँ पर, बूट लोडर एरर आईडी। तो इस फोन को आपको फिर से बंद चालू करना पड़ेगा। तो इसको हम फिर से एक क्यूडी ईडीएल मोड पे लेके आएंगे। क्यूडी लोडर 9008 फ्लैश मोड होता है जो इन्होंने बताया। फ्लैश मोड का ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना आते हैं, सारे ड्राइवर इंस्टॉल करना आते हैं ना। और जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप मे भी हार्डवेयर में थोड़ा बहुत ऐसे बिना किसी टूट गए सीख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर आप सही फाइल नहीं चढ़ाएंगे तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते हो। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग को इंस्टीट्यूट जरूर जाए से पहले, और आई थिंक मेरे हिसाब से तो एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट। तो देखिए हम फिर से ईडीएल मोड पे ले जा रहे हैं फोन को, वॉल्यूम अप एंड डाउन केबल के साथ लगाकर। चलो आ गया। अब बताओ फिर से क्या करना है, जो हमने पहले चीज की थी एक बार और फिर से टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहले हमने ऑटो मोड में इसको रखा था, उसके बाद हमारा एरर आ गया था, वो नहीं ले रहा था। उसके बाद हम इसको ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑटो को अनटिक कर देंगे, यहाँ से अपना ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। हाँ, ब्रांच सेलेक्ट करो ना, बट मॉडल हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मॉडल नंबर अपना सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा फोन है उसका नंबर है Y70। अब फिर हमारा जैसे कि ऑलरेडी सिलेक्ट ही है वीवो अकाउंट अनलॉक, तो यहाँ पे हम सीधे पर स्टार्ट बटन को प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस बार डक दिखा दिया, तो इस बार आगे फॉर्मेटिंग कर देगा। ये देखिए फॉर्मेट कर दिया यहाँ पर, फॉर्मेट आईडी और पर प्लीज प्रेस द बूट एंड अप की, एंटर द रिकवरी मोड एंड क्लियर डाटा। तो वो कह रहा है कि आप अपना डाटा को क्लियर कर लो। इसका बैटरी काफी ओवर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका FRP तो निकाल दिया है। अब यहाँ पे होता है इफ द फोन हैंग लोगो, अगर तब बता रहा है वो कंडीशन पर हो, अगर फोन हैंग हो जाए तो। एक बार हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारे टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि लोगो पर हैंग हो गया है तो फ्लैशिंग कर देते हैं। फ्लैशिंग कभी मत कीजिए, पहले तो एक बार हार्ड रिसेट करके देखिए। अगर आप हार्ड रिसेट कर देंगे तो भी आपका फोन चालू हो जाएगा। तो हो गया लोगो पर नहीं आया। ऐसा करो ऊपर, तुम ये जगह जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये थोड़ा फर्स्ट टाइम बूट लेने में थोड़ा टाइम लेता है। वीवो पांच मिनट लेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा फोन लोगों पे हैंग नहीं हुआ, पर देखते हैं कि FRP गया है कि नहीं गया है, क्योंकि अगर नहीं गया तो हम फिर UMT से निकालेंगे मेरे भाई।
नेक्स्ट राजेश मेरा वो उसे वो निकालना जरा चार्जर होगा तो नहीं है तो एफआरपी हमारा यहाँ पे नहीं गया तो मतलब हमारा मेडिकल ने यहाँ पे काम अब हम कौन सा लगा लें यूएमडी तो चलिए आपके सामने दोनों चीज का यहाँ पर हो जा रहा है यूएमडी लगा के भी चेक करें ये नहीं होगा सी टेप का केवल तो यहाँ पर हमें कहाँ क्लिक करना है अब हमने क्या लगा लिया है अब हमने ईएमटी जैसा कि ओपन किया है और यहाँ पे हमें रीड एंड टूल्स पे जाना है उसके बाद रिसेट एफआरपी पे जाना है हाँ रिसेट एफआरपी पे जाना है जबकि यहाँ पे वीवो एफआरपी भी दिया हुआ है फिर भी हम एक बार रिसेट एफआरपी करेंगे ऊपर जाके आप ब्रांड भी चुन सकते हैं वैसे एक बार चुन लो अगर चुनना है तो ब्रांड चुन लो वहां पर वीवो फिर यहाँ पर वाई कट्टर बस हमें वन क्लिक पे जबकि यूएमटी सबसे बेस्ट है इसके लिए वन क्लिक ही आपका एफआरपी निकलेगा आप रिसेट एफआरपी पे क्लिक करेंगे फोन को फ्लैश मोड में कनेक्ट करेंगे एफआरपी निकल जाएगा और दोस्तों मैं बता रहा हूँ हमारी स्टूडेंट ने वीवो FS FRP पे क्लिक किया था तो फोन उनका लोगो पर अटक गया था फोन तो यहाँ पे देखिए हमने क्लिक कर दिया है और हम इसको ईडी मोड पे कनेक्ट कर रहे हैं अगर ये फेल हो जाता है तो उसको नहीं फेल नहीं हुआ यहाँ पर हो जाता तो उसको पहले कनेक्ट करते और उसके बाद में क्लिक करते तो अगर इससे हो गया तो ये समझ में आता है कि दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है देखो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 8.0 है साथ ही एफआरपी रीसेटिंग एफआरपी लॉक यहाँ पे डन दिखा दिया और यहाँ पे फोन रिबूट किया है मतलब हो सकता है कि यहाँ पर हमारा फोन हट गया एफआरपी दिखाओ सामने पकड़ो जैसा कि अभी बूट ले रहा है इसमें थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम 2.1 में लगा तो ये पूरा काम आपके सामने है मेडिकल का भी और यूएमडी का भी ये नहीं है कि मेडिकल खराब है मेडिकल यहाँ पे भी अच्छा है और अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम इनके लिए तालियां बजा दो यार तो इस वीडियो से आपको क्या समझ में आता है आप ही लोग बताओ एजेंट बोल सकते हो क्या समझ में आता है इस वीडियो से दोनों का होना जरूरी है यूएमटी एजेंट बोल दो कोई खड़े होके बता दो क्या समझ में आता है नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन एसीए टेलीकॉम अरे थैंक यू वेरी मच मैं इस वीडियो से ये समझ में आता है कि दोनों का होना जरूरी है कि यहाँ पर आपने देखा कि हमने इसका एफआरपी निकाला तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हमारे स्टूडेंट जो कि ने साहस दिखाया यहाँ पर आने का बहुत कम लोग होते हैं सामने आकर प्रेजेंट करना क्यों भाई एग्जाम पे है ना इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले मैंने कभी सॉफ्टवेयर नहीं किया था कभी भी सॉफ्टवेयर मैंने नहीं किया इवन यहाँ आने से पहले मैंने मोबाइल में स्क्रू तक नहीं लगा था ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे 100% नॉलेज हो चुकी है स्पेशली सॉफ्टवेयर में जैसा कि सिर्फ अभी हमारी सॉफ्टवेयर की 3-4 दिन की क्लास हुई है 3-4 दिन में मुझे एफआरपी निकालना हो चाहे पैटर्न रीड रिसेट करना हो जो भी हो बेसमेंट रिपेयर करना हो आई डू एवरीथिंग चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच जुड़े रहे इसी तरह और चिल्लाते रहे एक बात कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है थैंक यू वेरी मच दोस्तों नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा दोस्तों उसको परचेस कीजिए इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए लिखिए देवेंद्र अग्रवाल मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए लिखिए देवेंद्र अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम दोस्तों ज्ञान असीमित है यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है जीरो है
तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्टली इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई एक महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है। तो वो सर टच हुआ सर, मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था या तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं आप? इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा। और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फील्ड में वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी अभी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको चुना जाए, तो मैंने फिर यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार
तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और मैंने अच्छा जी सर सुना जी सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amansun 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.